गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जीओ। सतनाम श्री वाहे गुरु जीओ। गुरपुरा भेट्यो वडभागी मन है भया परगासा, कोई ना पहुँचन हारा दूजा अपने साहेब का परवासा। अपने सतगुर कै बलिहारै, आगै सुख पाशै सुख सहजा, घर आनंद हमारै। रहाउ अंतर जामी करणै हारा, सोई खसम हमारा। निरपौ भए गुरचरणी लागे, एक राम नाम आधारा। सफल दर्शन अकाल मूरत, प्रभ है पी हो वनहारा। कंठ लगाए अपने जन राखे, अपनी प्रीत प्यारा। वड्डी वड्याई अचरज शोभा, कारज आया रासी। नानक कहो गुरपुरा भेट्यो, सगले दुख विनासी। इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता हर, जाकै वस है काम तेना। सो ऐसा हर त्याई मेरे जीअड़े, ता सर्ब सुख पावै मेरे मना। जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उजल हुई है, नित ध्याई है हर पुरख निरंजना। रहाउ जय हर सिमरन भया, तय उपाद गत कीनी। वडभागी हर जपना, जन नानक कौ गुर एह मत दीनी। जप हर भव जल तरना, वडभागी हर संगत पावै। भागहीन भ्रम चोटा खावै, बिन भागा सत संग ना लब्बै। बिन संगत मैल परी जै जियो, मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे। हर हर नाम दया मन तारे, गुरमत नाम मीठा मन पाया। जन नानक नाम मन भीजै जियो, सतनाम श्री वाहे गुरु जीओ। मेहरवान मेहरवान साहेब मेरा मेहरवान, तू काहे डोले प्राणियां। तुद राखैगा सिरजनहार, जुन पैदाइश तू किया, सोई दे आधार। घट घट मालक दिलां का, सच्चा परवदगार। कुदरत कीम न जानिए, वड्डा वे प्रवाहु। कर बंदे तू बंदगी, जिचर घट मैं साहो। तू समरथ अकथ अगोचर, जियो पिंड तेरी रास। रहम तेरी सुख पाया सदा, नानक की अरदास। रहम तेरी सुख पाया सदा,
ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਕਹੋ ਅਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਈ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਾਮ ਦੀ ਨੂਰੇ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚੱਟੀਐ। ਤੁਦ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੈ ਸ਼ਾਹੂ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਉ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਉ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਵ ਕੁੱਥਿਆ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਭ ਜਾਈ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸਭ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮੁੱਠੀ ਦੂਜੈ ਭਾਈ। ਜਮਦਰ ਬੱਦੈ ਮਾਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੈ ਸਜਾਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਵ ਕੁੱਥਿਆ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਭ ਜਾਈ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸਭ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮੁੱਠੀ ਦੂਜੈ ਭਾਈ। ਜਮਦਰ ਬੱਦੇ ਮਾਰੀਐ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੈ ਸਜਾਈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਬੁੱਝਈ ਦੁਬਦਾ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨਾ ਨਿੰਦਕਾਂ ਤਿਤ ਸੱਚੈ ਦਰਬਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਪੌੜੀ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦੇ ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਤੇ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਚਨ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਅਰਾਧਿਆ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਸੇਈ ਪੁਰਖ ਹਰ ਸੇਵ ਦੇ ਜਿਨ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਹੀ। ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਨਿਤ ਗਾਵ ਦੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਸਮਝਾਹੀ। ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਹੀ। ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਨਿਤ ਗਾਵ ਦੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਸਮਝਾਹੀ। ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਵ ਕੁੱਥਿਆ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਭ ਜਾਏ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸਭ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮੁੱਠੀ ਦੂਜੈ ਭਾਏ। ਜਮਦਰ ਬੱਦੇ ਮਾਰੀਐ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਮੋਲਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 648 'ਤੇ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਅੱਜ 1 ਅਕਤੂਬਰ
दिन शनिवार सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे हजूर अमृत वेले प्रकाशमान हो करके सारी मनुखता नू साहिब ने पावन हुक्मनामा बख्शिश किया, जिस विच धन गुरु अमरदास पातशाह जी सानू समत सोझी बख्शिश करते हैं। नानक नावो कुथिया हलत पलत सब जाए, जप तप संजम सब हिर लया, मुठ्ठी दूजै पाए। कि परमात्मा दे नाम तो बिना, अकाल पुरख दे सिमरन तो बिना, मानो कि ये जीवन जेड़ा व्यर्थ है, तेरा लोक परलोक ही निसफल चलिया जांदा है। हालत पालत सब जाए, जप तप संजम सब हिर लया, मुठ्ठी दूजै पाए। ते मनुख जे तेरे पल्ले नाम दा खजाना नहीं, नाम दा धन नहीं, ते साहिब जी बख्शिश करदे हन कि सारा कीता होया दान पुन सेवा वह सारा कुछ व्यर्थ जाएगा, जे तेरे पल्ले नाम दा धन नहीं, नाम दा खजाना नहीं। मुठ्ठी दूजै पाए, ते जीव कर्म कांडी बन जांदा है। जमदार बदे मारी बहुती मिलै सजाए, ते जेड़े ऐसे मनमुखी जीव है ना, उन्हां नू फिर जमा दी मार खानी पैंदी है। जोना विच भटकदे फिरदे हन, जमदार बदे मारी है, ते ऐसे मनमुखी जीवां नू कदे मुक्ति पद नहीं मिलदा। अकाल पुरख दे हुक्म अनुसार, बाणी दे अनुसार, ऐसे मनमुखी जीव जिहड़े भटकदे फिरदे हन, हिरदे विच सहजता नहीं, सेवा सिमरन नहीं, नाम धन नहीं, साहिब जी बख्शिश करदे। महला तीजा, संतां नाल वैर कमावदे, दुष्टां नाल मूह प्यार, अग्गै पिछै सुख नहीं मर जम्मै वारो वार। कि ऐसे मनमुखी ते साकत जीव जिहड़े गुरु दे प्यार वालियां नाल, नाम जपण वालियां दे नाल वैर कमाउंदे हन, तिन्हां दा बुरा करदे हन, सतगुरु जी आखदे दूसरे जिहड़े मनमुखी जीव साकत जीव ने उन्हां दा साथ दिंदे ने, ओ मनमुखां दी दशा जिहड़ी है, उन्हां दी हालत, उन्हां दी अवस्था की बनदी है, अग्गै पिछै सुख नहीं, लोक परलोक दे कदे सुख नहीं मिलदे ऐसे मनमुखी जीवां नू, तिन्हां नू कदे ढोई नहीं मिलदी दरगाह घर विच। एहो जिहे मनमुखी जीव जूनां विच भटकदे फिरदे ने, मर जम्मै वारो वार, तृष्णा कदे ना बुझाई, दुबदा होए खुआर, मूह काले तिन निंदकां, तित सच्चै दरबार। पदार्थां दे नाल कदे किसे मन की तृष्णा नहीं मरदी, मन की भटकना नहीं मिटदी। पदार्थां नूं एकत्र करके जीव सोचदा है, जीव अपनी मत के अनुसार विचारदा है कि मेरे कोल बहुतात पदार्थ होणगे, बहुतात जमीन जायदादां होणगियां, ते मेरा जीवन सुखदायक बतीत होवेगा, मेरा जीवन सवारिया जाएगा। पर सतगुरु जी की बाणी ने निर्णा कर दिता है कि मनुख भावें तेरे कोल बड़े बड़े रुतबे होण, बड़िया जमीन जायदादा धन पदार्थ तेरे धियां पुत्र भैन भरा बड़े सज्जन संबंधी होवण, पर प्यारिया जिन्ना समा तेरे कोल नाम का खजाना नहीं, तेरे कोल नाम का धन नहीं, वो सारा कुछ व्यर्थ ते निसफल है। अग्गै पिछै सुख नहीं, ना लोक दे सुख, ना दरगाह दे सुख, ऐसे मनमुखी जीवां दी दशा ये बनती है। मर जम्मै वारो वार, जूनां विच भटकदे फिरदे हन, तृष्णा कदे ना बुझाई,
दुबदा होए खुआर मोह काले तिना निंदकां तित सच्चा दरबार। हिरदे विचों कदी पदार्थां दी वासना नहीं मरदी। हिरदा जिहड़ा है ऐसे मनमुखी जीव ऐसे साकत जीव तिना दी संगत विच जा करके साहब जी आखदे कि जिहड़ा गुरमुख प्यारियां दा भी जीवन जिहड़ा है जिहड़ा समा है अजाई चलिया जांदा है। मोह काले तिना निंदकां तित सच्चे दरबार तृष्णा कदे ना बुझई। जे कोई आखे कि मेरे कोल बहुत पदार्थ होवन ते पदार्थां दे नाल मेरे मन की जिहड़ी तृष्णा मर जाएगी मेरे मन की भुख मिट जाएगी। सतगुरु की बाणी आखदी है विण तुद होर जे मंगणा सिर दुखां के दुख दे नाम संतोखिया उतरै मन की भुख। आ मन की भुख ते सतगुरु दे नाम सदका ही तृप्त होएगी। पदार्थां दे नाल ये मन की भटकना नहीं मिटेगी। नहीं तो सानू अनेकां ही दृष्टांत जिहड़े गुरबाणी दे विच्चों मिलदे ने इतिहास विच्चों ऐसे अनेकां दृष्टांत मिलदे कि जिन्हां ने बहुत आदि पदार्थ भी एकत्र कीते सन वड्डे वड्डे पदवियां ते अहुदियां ते सिंघासनां ते विराजमान होण वाले भी जिहड़े सन जाना उन्हां नूं भी पिया। ते साध संगत जी गए जिहड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर जिन्हां ने नाम सिमरिया नाम आराध्या वह भी गए शरीर करके पर उन्हां दा रहिंदी दुनिया तक जस कीता जांदा है जिन्हां ने नाम सिमरिया जिन्हां ने नाम आराध्या उन्हां दी जय जयकार हुंदी रहेगी। इसे प्रकार जेकर विचारीए कि असीं गुरु दे पावन चरणां विच जाके जोदड़ी करदे हां पातशाह मेरी आ मंग पूरी कर दिओ मैं होर कुछ नहीं मंगांगा फिर की हुंदा है पदार्थां दे नाल कदे आत्मा तृप्त नहीं हुंदी। एक मंग पूरी हुई फिर दूसरी मंग रखदे हां पातशाह जी मैनू आ पदवी आ अहुदा दे दिओ आ पदार्थ दे दिओ इस तों बाद नहीं मंगांगा। मिल गया उस तों बाद होर तृष्णा वध जांदी है पदार्थां दे नाल तृष्णा वध जांदी है। साध संगत नाम दे सदका हिरदा संतोखिया जांदा है हिरदा जिहड़ा है टिकाओ विच आ जांदा है। तृष्णा कदे ना बुझाई दुबदा होए खुदार खुआर के पदार्थां विच उलझ करके साहिब जी आखदे अजाई जीवन नूं गवा लेंगा। मोह काले तिना निंदकां तित सच्चे दरबार ते ऐसे जिहड़े मनमुखी जीव है ना जिहड़े गुरु प्यारियां दी निंदिया करदे ने उन्हां नूं दरगाह दे विच फिर भारी सजावां मिलदियां ने। नानक नाम विहूणिया ना उरवारना पर अपार ते धन गुरु नानक पातशाह जी दे नाम तों विहूणे मनुख मनमुखी जीव ना इस पार ना उस पार कहण तों भाव उन्हां ने अपना आ जीवन भी गवा लिया ते दरगाह घर विच उन्हां नूं ढोई नहीं मिलदी। पौड़ी जो हर नाम ध्याए दे से हर हर नाम रते मन माही जो परमात्मा दा जिहड़े नाम सिमरदे आ ना उन्हां दे हिरदे विच मानो के नाम दा रंग चढ़िया है उन्हां दा जीवन नाम रंग दे विच रंगिया जांदा है। जिन्ना मन चित एक आराध्या तिन्ना एक सबिन दूजा को नाहीं ते जिन्हां ने मन अपना गुरु दे पावन चरणां विच अर्पण कर दिता जिन्हां दी अवस्था यह बनी मन बेचै सतगुर कै पास ते सेवक के कारज रास ते साहिब जी आखदे ने कि उन्हां गुरमुख प्यारियां दी जीवन दी अवस्था यह बन जाती है जिन्ना मन चित एक आराध्या तिन्ना एक सबिन दूजा को नाहीं। वो परमात्मा दे गुरु परमेश्वर दे चरणां नूं छड के होर किधरे भटकना नहीं करदे। उन्हां दी अवस्था हे अतमे छाड़ कोई अवरणा ते आऊं जो बर चाहूं तुम ते पाऊं कि परमात्मा आप दे चरणां तों छड के मैं होर किधरे ना जावां जो भी मेरियां मंगां ने जो भी मैनूं वस्तुआं पदार्थ चाहीदे ने परमात्मा मैनूं नाम धन चाहीदा है वो आप दे चरणां चों मैनूं प्राप्त होवे। तिन्ना एक सबिन दूजा को नाहीं परमात्मा तों बिना गुरु पति परमेश्वर तों बिना होर किधरे भटकना नहीं करदे।
ਸਹੀ ਪੁਰਖ ਹਰ ਸੇਵ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾ ਹੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸਾ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤ ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਜੀਵ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਪੁਰਖ ਹਰ ਸੇਵ ਦੇ ਜਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾ ਹੀ, ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਨਿਤ ਗਾਵ ਦੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਸਮਝਾ ਹੀ। ਅਤੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਐਸੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਐਸੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਸਨਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਹੀ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਣ ਦਿਵਾਣ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਾ ਹੀ ਡਿਸਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਅਤੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਹੀ। ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਐਸੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਤਨ ਜੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੇ ਉਜਲਾ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਮਰਥ ਸੋਝੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।